हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एंड्रॉइड 11 और 1 UI 3 के कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अंडर प्रोसेसिंग जा चुके हैं, अंडर टेस्टिंग जा चुके हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो। यहाँ पर सैमसंग की कंप्लीट लिस्ट निकल कर आई है जो कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की नोट सीरीज से, और नोट सीरीज में अगर बात की जा रही है तो नोट 20 अल्ट्रा 5G आता है सैमसंग का, नोट 10 प्लस आता है, नोट 10 5G आता है, नोट 10 प्लस 5G आता है, साथ ही साथ नोट 20 5G, नोट 20 अल्ट्रा 5G भी है। यहाँ पर मैंने आई थिंक दो बार ले ली नाम, वो नाम ज़रा ऊपर नीचे है इस वजह कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूँ सैमसंग की नोट सीरीज में, आई गेस यही सभी नाम है जो कि मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर सैमसंग का नोट 10 लाइट नहीं है, आई रिपीट, नोट 10 लाइट यहाँ पर मैंशन नहीं है। अब सैमसंग की नोट सीरीज़ के अलावा यहाँ पर सैमसंग की एस सीरीज़ में कुछ स्मार्टफोन्स हैं, कुछ नहीं मतलब काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं। एंड यहाँ पर जो आता है सैमसंग का S20 5G, सैमसंग S10e एंड सैमसंग S10 प्लस, ऑलराइट, एंड यहाँ पर सैमसंग का S10 है एंड सैमसंग S10 5G है, S20 अल्ट्रा 5G है, सैमसंग S20 प्लस 5G है। एंड यहाँ पर सैमसंग की फोल्ड सीरीज में से सैमसंग का Z Flip 5G है, साथ ही साथ यहाँ पर सैमसंग का टैबलेट भी है जो कि है सैमसंग का टैब S7 5G वेरिएंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5G वेरिएंट है, और इसका टैब S7 प्लस 5G वेरिएंट भी मेंशन है। तो यहाँ पर इनका आई थिंक नॉर्मल वेरिएंट आते नहीं, मेरे को इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये सभी वो स्मार्टफोन है। इसके अलावा बात की जाए सैमसंग के ए सीरीज स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पर मतलब कि ए सीरीज़ के भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं, काफ़ी नहीं कहेंगे लिमिटेड स्मार्टफोन्स हैं, बट ये सैमसंग के फर्स्ट ऐसे ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं, फर्स्ट बैच ऐसा है जहाँ पर कि सैमसंग का ऑलमोस्ट लेटेस्ट ही स्मार्टफोन्स हैं, यानी कि पुराने वाली ए सीरीज़ के कैटेगरी के स्मार्टफोन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट स्टिल अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें जो है सैमसंग के ए सीरीज़ के स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सैमसंग का गलेक्सी A51 है, सैमसंग A51 5G है, एंड यहाँ पर सैमसंग गलेक्सी A71 5G है, एंड आई थिंक यहाँ पर सैमसंग का A71 नहीं है, या यहाँ पर सैमसंग A71 नहीं है, एंड यहाँ पर सैमसंग A51 है, A51 5G भी आई थिंक है, बट यहाँ पर नाम काफ़ी ऊपर नीचे हैं। तो यहाँ पर हाँ A51 है, सैमसंग A71 5G है, दो स्मार्टफोन है सैमसंग के सीरीज़ के। मुझे लग रहा था इनके 5G वेरिएंट और इनके नॉर्मल वेरिएंट भी होंगे, बट यहाँ पर वो सभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ने दो ही स्मार्टफोन्स डाले हैं। आई डोंट नो सम रीज़न, इसके पीछे कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से सैमसंग ने ये दो स्मार्टफोन्स ही डाले हैं सैमसंग की ए सीरीज़ के अभी तक अंडर प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं है कि सैमसंग की जो ए सीरीज़ के और स्मार्टफोन्स हैं उनको नहीं मिलने वाला है, उनको भी मिलेगा बट उनको बाद में मिलेगा। ये फर्स्ट बैच है एंड फर्स्ट बैच में ये सभी स्मार्टफोन्स भी अंडर टेस्टिंग चल रहे हैं, एंड बहुत जल्दी सैमसंग जो है इन सभी स्मार्टफोन्स के लिए 1 UI 3 बेस एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो रिलीज़ कर देगा। अब देखते ये हैं कि कब तक सैमसंग लेकर के आता है अपडेट, एंड जैसे ही ये अपडेट रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।